डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका एक नए वीडियो में। और रिजल्ट के बारे में बात करने से पहले सबसे पहले आज है 5 सितंबर, यानी कि 5 सितंबर। सबसे पहले आप सभी बच्चों को, सभी लोगों को, सभी देशवासियों को टीचर्स डे की बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत शुभकामनाएं। और आई होप, मैं आशा करता हूं कि आज से आप अपनी स्टडी को रेगुलर करेंगे, इसलिए कि बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो कल पर डिपेंड रहते हैं कि हाँ, हम अपनी पढ़ाई कल से करेंगे। और वो कल आता कब है? कल आपका एग्ज़ाम है, तब तक वो कल आता नहीं है जब तक आपके एग्ज़ाम करीब ना आ जाए। तो आप अपनी स्टडी को रेगुलर करिए, सही से करिए, और कल के चक्कर में ना रहिए। कल कभी नहीं आता है और कल आपको कुछ देता नहीं है। कल केवल सिर्फ आपको एक चीज़ देता है, वो है पानी। कल आपको केवल पानी देता है। तो आप आज से मेहनत करिए, आज से कड़ी मेहनत करिए, कल के चक्कर में ना रहिए। सभी बच्चों को मैं एक छोटा सा मोटिवेशनल ट्वीट से बता रहा हूँ, इसलिए कि बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं कि जो अपनी पढ़ाई के लिए, जैसे कि मान लीजिए कि रिजल्ट के बारे में सोच रहे होंगे कि रिजल्ट कब आएगा, कैसे आएगा, पास होंगे, फेल होंगे, इस चक्कर में होंगे। तो इससे आपका कोई मतलब नहीं। रिजल्ट से आपके अगर नंबर भी कम आते हैं तो बहुत ज़्यादा प्रभाव नहीं पड़ता। अगर आपके पास स्किल है, नॉलेज है, सारी चीज़ें हैं, तो आप आगे की ओर बढ़ेंगे, जरूर बढ़ेंगे। ठीक है, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा रिजल्ट की अपडेट, इसके बारे में अभी हम बात करेंगे। और सबसे पहले आप सभी लोग, जैसे कि अगर टीचर्स की बात करें तो टीचर्स मोमबत्ती की तरह होता है, खुद तो जलकर ख़त्म होता है, लेकिन वो जब तक रहता है, जब तक मतलब कि जलता रहता है, तब तक दूसरों को प्रकाशित करता रहता है, दूसरों को समझिए कि ज्ञान देता रहता है कि हाँ, आपको प्रकाश में ही रहना है, दूसरों को तकलीफ ऐसे अंधेरे में नहीं रखता है। जब तक वो रहता है तब तक वो आपको क्या कहता है, उजाले में ही रखता है। इसी तरीके से सेम आपको भी अपने टीचर्स की रेस्पेक्ट करनी चाहिए, इसलिए कि वो आपके लिए इतना कुछ करता है, हर एक चीज़ आपके लिए मैनेज करता है। उसी तरीके से आपको भी अपने टीचर्स के प्रति प्यार, सम्मान भाव आदि सारी चीज़ें रहनी चाहिए। अब बात कर लेते हैं रिजल्ट के बारे में। रिजल्ट आने के बाद तुरंत बाद एक अपडेट है कि जैसे कि मान लीजिए कि आज आपका, सपोज कीजिए कि आज आपका रिजल्ट आ गया या फिर कल आपका रिजल्ट आ गया, रिजल्ट आने के तुरंत बाद आपके 2-4 दिन 5 दिन के अंतराल में आपकी फ़ीस वगैरह जमा होगी। तो फीस सभी बच्चे, और फीस के लिए ज़्यादा समय आपको दिया नहीं जाएगा, 5 से 8 दिन का आपको समय दिया जाएगा। तो फीस सभी बच्चे कलेक्ट करके रखे रहेंगे, और मैंने ऑलरेडी बता रखा है कि इन कॉलेजों को कितनी फीस लगेगी। जो फर्स्ट ईयर में स्टूडेंट्स आने वाले हैं, जिनकी काउंसलिंग वगैरह हो, उसकी भी शेड्यूल जारी कर दी गई है 7 तारीख से, जो आपका शेड्यूल अभी तो ऑफिशियली जानकारी वहाँ पर आ गई है JEE की ऑफिशियल साइट पर कि हाँ, 7 के बाद से आपका 8-9 को शेड्यूल जो है उसका शेड्यूल रिलीज कर दिया जाएगा। यहाँ देखिए, आप थोड़ी सी बात कर लेते हैं रिजल्ट के बारे में। फीस वगैरह तो आप मैनेज करके रखे रहेंगे। आपको मालूम है BTPA के बारे में कि जैसे कि अगर हर एक बोर्ड की बात करें कि वो डेट दे देता है कि इस तारीख को आपका रिजल्ट जारी होगा, लेकिन BTPA ऐसा कोई शेड्यूल देता नहीं, ऐसा कोई डेट जारी नहीं करता है। मान लीजिए, सपोज कीजिए कि आज आपका है 5 सितंबर, हो सकता है जैसे कि अगर पूरे काम कंप्लीट है, प्रोसेस कंप्लीट है, तो कल ही आपका रिजल्ट जारी कर दे, आज ही आपका रिजल्ट जारी कर दे, इसलिए कि वो ऑथेंटिक कोई जानकारी आउट नहीं करता है, बाहर नहीं करता है कि हाँ, इस दिन आपका रिजल्ट जारी किया जाएगा। जैसे कि यहाँ पे आपको दिख रहा होगा स्टेट उत्तर प्रदेश बोर्ड नेम, बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन उत्तर प्रदेश, और एकेडमिक सेशन 2022-23। और देखिए यहाँ पर, देखिए एग्जाम कब हुआ था आपका, जून में हुआ था और जुलाई में हुआ था। रिलीज डेट देखिए यहाँ पे 5 सितंबर 2022 एक्सपेक्टेड, यानी कि आज के डेट में बताया जा रहा है कि आज आपका रिजल्ट जारी होगा। और जैसा कि मैंने अभी आपको कहा, आपने देखा भी होगा, बहुत सारे बच्चे इसको लेकर के कमेंट करने लगेंगे कि ये तो एक्सपेक्टेड डेट है, ऐसे कैसे हो सकता है कि आज ही आ जाए या फिर ना आए, मतलब वो तो अलग की बात है। देखिए, BTPA सीधे शब्दों में समझ लीजिए कि BTPA जो है वो ऑफिशियल जो आपका रिजल्ट का डेट है वो रिलीज नहीं करता, मतलब देता नहीं है कि हाँ, आपका 10 को आ जाएगा, 32 तारीख को रिजल्ट आएगा, 35 तारीख को आएगा, 40 तारीख को आएगा, मतलब सपोज कीजिए मैं ऐसे कह रहा हूँ, तो इस तारीख को कोई डेट आपको मेंशन करके देता नहीं है। आपका रिजल्ट मान लीजिए, जैसे मैंने बताया कि कॉपियाँ चेकिंग कंप्लीट है, अब जो आपके डाटा वगैरह केवल अपलोड होने हैं, तो मान लीजिए कि आज अपलोड हो गए, तो हो सकता है कि आज ही जारी कर दे, हो सकता है कल जारी करे, हो सकता है उसके पास समय ना हो, 2 दिन बाद जारी करे, लेकिन ये नहीं है, कोई ऑथेंटिक डेट नहीं देगा वो कि हाँ, इस दिन जारी हो पाएगा। जैसे कि यहाँ पर आपको दिख रहा है रिजल्ट डेट है जो, तो 5 सितंबर 2022 एक्सपेक्टेड बताया जा रहा है कि आ जाएगा। बहुत सारे बच्चे देखिए कि जो मान लीजिए कि आप कई जगह से न्यूज़ वगैरह देख लेते हैं या फिर कई जगह से वेबसाइट वगैरह देख लेंगे, बहुत सारे बच्चे कमेंट करने लगते हैं कि सर, 5 सितंबर को क्या टीचर्स डे के शुभ अवसर पर आपका रिजल्ट जारी, हमारा रिजल्ट जारी किया जाएगा? तो देखिए, एक्सपेक्टेड यहाँ पर लिखा हुआ है कि एक्सपेक्टेड डेट है, आप चिंता में नहीं रहेंगे, आप अपनी स्टडी को करें। अब जो ऑफिशियल, जो आधिकारिक डेट, ऐसे मान के चले कि लगभग प्रोसेस तो पूरे कंप्लीट है, रिजल्ट की हाँ, सारी चीज़ें कंप्लीट है, बस डाटा अपलोड हो रहे हैं, उसमें थोड़ा सा समय लग रहा है। अब जैसे ही समय वो कंप्लीट हो रहा है, हो सके कि कोई ज़रूरी नहीं है कि हाँ, 15 को ही जारी होगा या फिर 18 को ही जारी होगा, हो सके कि आपका 10 को जारी हो जाए, हो सके कि आपका आज ही जारी हो जाए, कोई ऑफिशियल या फिर ऑथेंटिक जानकारी इसके बारे में नहीं रहती है। जैसे ही रिजल्ट आएगा, आपको टेलीग्राम पर इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। बहुत सारे बच्चे इसको भी देख करके कमेंट करेंगे कि हाँ सर, ये तो मुझे पहले से ही मालूम था। ठीक है, अच्छी बात है, पहले से मालूम था, लेकिन बहुत सारे बच्चों के कमेंट्स आ रहे थे, बहुत सारे बच्चों के इंस्टाग्राम पर मैसेज आ रहे थे, और हालांकि एक एक का रिप्लाई देना पॉसिबल नहीं होता है, इसलिए कि आज टीचर्स डे भी था, थोड़ा सा सोचा मैंने कि आप सभी को बधाई भी दे दिया जाए, और उसके बाद से ये थोड़ी सी आपको जानकारी भी दे दी जाए। आप अपनी
होगी। फीस के बारे में मैनेज किए रहेंगे, सारी चीज़ों को मैनेज किए रहेंगे, जैसे रिजल्ट आता है उसके बाद से फीस जमा होगी। उसके बावजूद आप अपने क्लासेस को रेगुलर जाएंगे, क्लासेस भी आपकी स्टार्ट है और आज के दिन भी आप जाएंगे। हो सके कि आपके क्लासेस में कुछ प्रोग्राम वगैरह हो आपको स्टेज पे, या फिर आगे मतलब आगे खड़े होकर कुछ बोलने का मौका मिले। इन सारी चीज़ों को आप मिस नहीं करेंगे, ज़रूर जाएंगे, क्योंकि ये सुनहरा अवसर होता है सभी बच्चों के सामने, सभी आपके क्लासमेट के सामने कुछ बोलने का मौका होता है, कुछ शायरी वगैरह या फिर कुछ भी चीज़ें। और जो भी चीज़ आज आपको अच्छी लगे, कुछ आपको शायरी वगैरह मालूम है तो आप कमेंट बॉक्स में भी कमेंट करेंगे, उसको मैं पिन कर दूंगा कि सभी बच्चे देखें। जिसकी शायरी अच्छी होगी, जिसकी क्वेट्स अच्छी होंगी, वो सारी चीज़ें आप कमेंट करेंगे तो वो भी मैं आपको पिन कर दूंगा। क्योंकि आज 5 सितंबर यानी कि टीचर्स डे है, और टीचर्स डे आपको मालूम है कि कितना सी एक तरीके से समझ लीजिए कि गुरुओं के प्रति, शिक्षकों के प्रति सम्मान का प्रतीक है, और सम्मान का एक तरीके से सुनहरा अवसर है कि हाँ हम इस दिन अध्यापकों की सम्मान करें, उनके आशीर्वाद वगैरह लें और उनको कुछ गिफ्ट वगैरह देते हैं। बहुत सारे बच्चे कई कॉलेज में गिफ्ट वगैरह भी दिए जाते हैं, तो आप भी अगर कॉलेज में जाएंगे तो टीचर्स को कुछ नहीं तो एक पेन जरूर गिफ्ट कर देंगे। आई होप कि वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, इजाजत दीजिए, धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।